थोड़ी लंबी कर सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। क्या चाहते इंसाफ? क्या चाहते इंसाफ? साहब के आगे झुकना पड़ेगा। साहब के आगे झुकना पड़ेगा। सफाई कर्मचारी यूनियन एकता जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी यूनियन एकता। बोलो जनाब, हम म्यूनसिपलिटी बटोत से बोल रहे हैं, प्रधान अब्दुर्रज़ाक। हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हो गया, 14-14 20-20 साल के, 25-25 साल के मुलाजिम, अभी तक ऐसा ही है, अभी तक कोई परमिट नहीं किया इनने। हमारे साथ बेइंसाफी हो गया, मगर जो 7 साल वाले या 25 साल वाले किसी डिपार्टमेंट भी है, वो सब परमिट होना चाहिए। अब हमारी गुजारिश यही है, गवर्नर से हम अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये डिलीवरी जो कैजुअल लेबर हो, कोई भी हो, उनको परमिट किया जाए। हमारा बहुत बेइंसाफी बटोत में हो गया, पहले भी 2014 में हमारे साथ बेइंसाफी हो गया। अभी हम गवर्नर साहब से हम अपील कर रहे हैं, बटोत में खासकर आंखों के सामने, नगाहों के सामने परमिट किया जाए हर डिलीवरी को, चाहे 7 साल हो, 25 साल हो, 20 साल हो। जो 25 साल वाला, उनको ये पीछे सर्विस कुछ ना कुछ मुजरा दिया जाए। बहुत बेइंसाफी हमारे साथ है। अब यही है, हम बहुत मजबूर है, भूखे मर रहा है, कोरोने में काम कर रहा है। इस टाइम हम मौत के कंजे में हैं, हर सफाई कर्मचारी, मगर हमारे साथ बहुत बेइंसाफी है। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। और मुतालबे है जनाब, अगर ये 4 दिन में हमारा ये फैसला नहीं हो गया तो हम स्ट्राइक पर तैयार हो जाएगा, हम सड़कों पर उतर जाएंगे बच्चे लेकर। और ये जो जो है हमारे पास, हम क्या, कुछ नहीं हमारे पास, भूखे मर रहे हैं हम। आप यही हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट साहब से, आप जल्द से जल्द किसी को 7 साल हो, किसी को 25 साल हो, परमिट किया जाए।